बहुत ठंड है, पॉकेट का झूला झूल ये देखो आपको प्रेजेंटेबल जब तक रखो और कभी बाहर जाने से पहले हम लोग ऐसे ये होते हैं ना दैट आई डोंट हैव क्लोथ्स, व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर. सो आई हैव डिसाइडेड टू क्लोथ्स, एक फुल इंडियन है, एक थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न वाला टच है. तो देखते हैं मैं किसके साथ जा सकती हूँ. बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस विथ माई फेवरेट फेस वॉश रिसेंटली. दिस इज माई करेंट फेवरेट फेस वॉश. इट्स माई ब्रांड सेटाफिल प्रो ऑयल कंट्रोल फोम वॉश. एक्चुअली जब से मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट करा ना देन आई रियलाइज्ड कि मैं गार्नियर का वो फेस वॉश यूज़ करके आई वॉज लाइक मैं अपने स्किन के साथ ना बॉम्ब फोड़ रही थी अपने स्किन पे. सो फटाफट से फेस वॉश करके आती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट मेक ओवर. बहुत हेवी सा नहीं करेंगे एज ऑलवेज क्योंकि हमें बाहर जाना है देन आना भी है. एंड इसके साथ साथ टमोरो इज़ माई मॉम्स बर्थडे विच मीन्स ऑन द 1st January. सो हमें चलना है. सो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू बाय सम गोल्ड. एक्चुअली इस बार यूट्यूब पेमेंट्स ने थोड़े से धोखा दे दिए हैं. आई डोंट नो कुछ ग्लिच आया है, कहीं अटक गया है, फटक गया है, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट. क्योंकि मेरी यूट्यूब इनकम इस मंथ आने वाली थी एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दैट क्योंकि मेरे को कुछ गोल्ड बाय करने थे एंड नॉट गेटिंग दैट थिंग. बहुत दिल टूट सा गया, क्या बोलूँ अब मैं. एक्चुअली टुडे इज संडे, ऑफ कोर्स 31st December संडे को पर है. सो मेरे पापा आज घर पर प्रेजेंट है. सो ऐसे जब पापा प्रेजेंट नहीं होते तो मैं मम्मी को चकमा देके कहीं भी निकल जाती हूँ. बट आज पापा प्रेजेंट है तो सबसे पहले उनसे जाकर परमिशन लेना पड़ा एंड परमिशन लेने टाइम ओ माय गॉड आई वाज लाइक पापा मैं जाऊँ. पापा लाइक किधर जाना है रोज रोज तुम्हें किधर जाना है. और लेकिन बस आती हूँ बगल से. किधर बगल में जाना है? गांधी मैदान तुम्हें बगल में लगता है? इट्स 5 to 6 kilometers. मैं बोली हाँ तो ठीक है ना, वैसे भी आजकल लोग तो इधर उधर कंट्री चेंज कर ले रहे हैं अकेले लड़की, लेकिन मैं नहीं घूम सकती हूँ. मतलब पापा को कन्वेंस करना बहुत हार्ड वाला टास्क है. ऐसा किसके किसके साथ होता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना एक्चुअली. सो आई पिक्ड बाय दिस आउटफिट क्योंकि इसको पहन के मैं अभी तक एक बार भी बाहर नहीं गई हूँ. एंड टुडे आई एम गोइंग विद ज़ैनब एंड उसके पास भी सिमिलर ही आउटफिट है. तो आज हम लोग ट्विनिंग करने जा रहे हैं एंड हाँ ये हमारा पहला ट्विनिंग होने वाला है. एंड लेट्स सी कैसा लगने वाला है. बाय द वे दिस इज द आउटफिट, आई बॉट इट फ्रॉम मीशो एंड काफ़ी ज़्यादा बेटर है. दिस इज़ वन पीस बट ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरे पास वो फ्लीज वो जो लेगिंग्स है वो ना फर वाला, आई डोंट हैव दैट वन. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू वेयर दिस वन एंड आई विल कैरी दैट वाइट वाला सैंडल्स. ये अभी कल इस पे वाइट प्रिंट्स है. फट से रेडी हो चेंज करती हूँ फिर रेडी होती हूँ. आई एम नॉट गोना डू दैट ओवर मेकअप क्योंकि पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा यार. तो गाइस ओ माय गॉड बहुत ठंड है, बहुत ठंड है. सबसे पहले बॉडी लोशन अप्लाई करती हूँ देन फिर अपना ब्लेजर कैरी कर लेती हूँ वरना ना रेडी शेडी होते होते मैं फ्रीज हो जाऊँगी. ओ हेवी एंड ये काफ़ी अच्छे से आज के वाले ठंड को ना मेंटेन कर सकते हैं. एंड ये इंडिया का नहीं है, ये मेरे खालू आए थे ना बाहर से तो वो लेके आए थे. एंड या दिस इज सुपर हॉट एंड बहुत ही प्रिटी सा लुक आने वाले. लेट मी शो यू माई फुल लुक. सो दिस इज़ माई लुक, मैंने ये वाले पिजामे पहन लिए हैं. And this is my blazer, this is my one piece and it's looking like that, yeah, it's a sameez, of course, but the look is coming bomb. So, eyebrow filler se main halka sa eye touch de dungi and this is my foundation, halka sa maine neck pe bhi apply kar liya hai, kafi light sa apply ki but itte mein hi ek presentable sa look aane lag jata hai. Bahut sare log bolte hain tum hamesha makeup kyun karti ho yaar, dekho खुद को प्रेजेंटेबल जब तक रखोगे नहीं तो लाइफ को कैसे प्रेजेंटेबल बनाओगे गाइज. एंड मेकअप इन द सेंस कि ये नहीं कि मतलब मुझे पसंद है मेकअप करना, ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग जब तक मेकअप नहीं करूँ तब तक आप लोग प्रेजेंटेबल नहीं हूँ. बट प्रेजेंटेबल होने के लिए जब सामने वाले इंसान आपको देखे तो बोले कि ओ वाओ मतलब शी इज़ समथिंग डिफरेंट, इस रीज़न के लिए नहीं कि मैं उसे पसंद आ जाऊँ. एक होता नहीं है, हम लोग ये बाहर निकलते तो हम बहुत सारे इंसान को देखते हैं तो इंसान को देख के हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं
कि वाह लगता है कि इसका मतलब ऐसे होगा वैसे होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस चीज़ के लिए इंसान खुद को प्रेजेंटेबल बनाता है, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। भाई हमारे में तो कुछ इंप्रेशन है ना, और हम खुद की इंप्रेशन अपने हाथ से बनाते हैं और अपने हाथ से बिगाड़ते भी हैं। सो टू वेयर काजल एंड दिस इज़ माई फेवरेट काजल, दिस इज़ माई ब्रांड रिकॉर्ड, बहुत अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग लास्ट रहता भी है एंड काफ़ी ब्लैक है, जो ब्लैक मुझे चाहिए। वैसे प्लम का काजल भी मस्त है, तो अभी जब ये ख़त्म हो जाएगा तब मैं प्लम का यूज़ करना शुरू करूँगा। भाई साहब इतनी ठंड है, थोड़ी सी नाक तो लाल और गुलाबी होना ज़रूरी है ना, तब तो लगेगा सबको कि हाँ इस बंदी को भी ठंड लगता है। तो ये है, कौन से ब्रांड का है बाय द वे, ये सनी लियोन का ब्रांड है, स्टार स्ट्रक, एंड बहुत मस्त है, काफ़ी सॉफ्ट सा पिंक है। अगर आपका कलर एकदम फेयर है ना तो आपकी स्किन पर ये और भी ज़्यादा अच्छा जाएगा। वैसे ये मेरे स्किन में भी बहुत अच्छे से जाता है एंड मुझे अपना स्किन कलर बहुत पसंद है, ट्रस्ट मी, आई लव माई कलर। सो लेट गॉड गाइस, टुडेज वेदर इज लाइक, ऐसा लग रहा है शिमला मनाली में आ गई हूँ मैं खुद ही। इनफैक्ट मनाली में आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा धूप वूप निकला हुआ है। आई वॉज गेटिंग टू लेट, वैसे सीधा नहीं बोलने का है। गाइस वी आर हियर एंड हम लोग फोकट का झूला झूलते हुए जा रहे हैं, बिकॉज हवा हवा के आप सब जानते हो। बाय द वे मीट माय पार्टनर चंदा एंड आज हम दोनों, ये बात हम आपको अपने वेन्यू पे पहुँच के बताएंगे। सो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ 2023, ऐसा कुछ बस बोलने की बातें, सिर्फ तारीखें चेंज होने वाली, जिंदगी तो हमारी बदल रही है। कोई तो वही यार, इतना क्यों शेयर हो रहे हैं, वो जो प्राइस है ना झूले का, बस 100 रुपये ज़्यादा ही बढ़ गया। हम लोग बहुत गरीब हो गए, इसलिए हवा हवाई पे हम लोग बस आज भर का गरीबी। गाइस वेदर देख के ऐसी फीलिंग आ रही है ना, रेडी वी आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट, बट हम उसमें नहीं जाएंगे, नहीं पहले हम लोग गाड़ी में एंटर करते हैं। ये कुत्ता कुत्ते हुआ अलग ही रोमांस चल रहा है। अबे यार, ओह माय गॉड, मुंह से धुआं निकल रहा है। ओह वाओ, हाउ डू यू फील, पता है सब लोग हम ही लोग को नोटिस कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों ने सेम आउटफिट वेयर कर रहे हैं। पहले बोलते थे मैं भी ब्लेजर इसी कलर का पहनती, बट थोड़ा थोड़ा है इसमें वो कलर करना, पीछे वाला चाची का वो। Oh my God! It's cloudy area. Must have Must है आज। पता है परमिशन कैसे लिया हम पापा से? आइए वहाँ पे पहले फ्लावर्स देखते हैं। गांधी मैदान फील्ड एंट्री टाइम पे ही ना ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स के पॉट्स आप लोग को मिलेंगे, जो कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही हाई रेंज बताएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर बार्गेनिंग का टैलेंट है तो आप आराम से इसको इजीली प्राइस में अफोर्ड कर सकते हो, काफी सस्ते काफी अच्छे थे। Hey, I was buying this namkeen क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड यार इस टाइप के फूड्स को आप लोग भी सपोर्ट करना चाहिए एंड इनसे बाय करने चाहिए। देखो, oh my God, अभी तो ये लड़कने वाला था। चलो अब लोग इसको एंजॉय करते हुए अपनी राह देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है। This is our entry ticket, ये हमारे यहाँ का एंट्री टिकट है। I don't know what's inside it, but we are going here. And देखते हैं किधर से एंट्री है, यही से बिहार फूड है, वही तो बोल रहे हैं हम लोग भी ना, उधर चलिए देख लेते हैं। नो व्हाट हैड हैपेंड विद अस, हमें जाना था सरस मेला और हम ये बिहार फूड फेस्टिवल का टिकट कटा के अब इसी में एंट्री कर रहे हैं। बहुत
म्यूजिक इंजॉय करते करते यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फूड वैरायटीज लगे हुए थे, जिसमें चाट थे, मिठाइयाँ थी, जो कि बिहार के लोग यहाँ पे आके खुद को रिप्रेजेंट करते हैं काफी अलग अलग टेस्ट के साथ. सो इट वॉज गुड. ये भी कुछ चॉकलेट आइसक्रीम लॉलीपॉप काइंड ऑफ लग रहा था, मतलब मुझे आई डोंट नो इसको मतलब एग्जैक्टली क्या बोलते हैं. एंड यहाँ पे वफ़ल ट्रीट्स वगैरह, लाइक वफ़ल जैसे बनते हैं ना सब कुछ, जो भी कुछ 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 बहुत से चीज़ें थे. एंड यहाँ हम लोगों की क्राउड्स देख रहे थे, वी वर एंजॉइंग. बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए थे यहाँ पे, चिकन टिक्का, मटन था, क्या था डेट वॉज, उसको क्या बोलते यार, पनीर, या पनीर का यहाँ पे कबाब लगा हुआ था. सब कुछ देख के बहुत सही लग रहा था, बट मुझे पनीर पर्सनली उतना कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए बस मैं इसको रिकॉर्ड की, क्योंकि ये अच्छा लग रहा था देखने में. ये ब्लेंडर फॉर से सामने क्या, व्हाट शी इज डूइंग, क्या कर रही है मैडम आप, मजदूरी. अभी हमारी फोटो शूट्स हो रही है ना, तो इसीलिए हमने ब्लेजर्स रिमूव कर दिए हैं. एंड मेरा वीडियो बना लो. दिस इज आवर आउटफिट एंड ये हमने आज ट्रेनिंग करे है. हमें बताओ कॉमेंट में हाउ आर वी आर लुकिंग, जरूर से बताओ कॉमेंट में. बड़ा कंजूसी हो रहा है, बेचारी का हाथ टूटने वाला है. हम फोटोशूट्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और चचा अलग ही रोल, सिर्फ उनका शायरी इंजॉय कर रहे हैं और बस वाह वाह कर रहे हैं. वाह किसी से कहते हैं मैं रो पड़ी, वाह कि मेरे बेटे का बहुत गंदा एक लड़की खा गई, लड़का बड़ा सुनी. वाह मालूम नहीं इधर गया है कि उधर गया है, किधर गया है. नए बरस में नई तालीम लेंगे हम, जियो. नए बरस में नई तालीम लेंगे हम, ये बरस तो हादसों में गुजर गया है. माय गॉड, बहुत बढ़िया. आ गले लगा मुझको रोने पे मजबूर कर, आ गले लगा मुझको रोने पे मजबूर कर, देख मेरे अंदर का बच्चा मर गया है. माय गॉड, कितने साल के हो दोस्त, किसी बात पे हंसा मुझको दोस्त, किसी बात पे हंसा मुझको, देख उदासी मेरे पीछे पड़ गया है. ओह माय गॉड, आज का एक चलो मुझे नहीं समझ आया. और उसी टाइम मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन करा था, और इंस्टाग्राम वाले ऑडियंस भी सोचा जादूगर ओ माय गॉड, अभी मैं गिरती यार मुंह के बल से. चना जोड़ गरम, चना जोड़ गरम चटपटा. नाउ वी आर हेयर इन गांधी शिल्प बाजार 2023. ये लास्ट था 31 दिसंबर को, बट जब हम लोग वहाँ अंदर में एंट्री किए वहाँ पता चला कि नहीं, आज लास्ट नहीं है, 1 जनवरी तक ये चलेगा. 1 जनवरी को तब फिर इसे बंद कर दिया जाएगा. शिल्प में एंट्री का कोई टिकट नहीं था. एंड यहाँ पे बहुत सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, हैंडमेड ही हर चीज़ थे, कारीगरी एंड ऑल. ये पेंटिंग्स ये देखो, यहाँ पे आंटी बैठ के हैंडमेड इस पेंटिंग्स को जो था सो कर रही थी. एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सारे पेंटिंग्स, लेकिन मेन बात मुझे इनके यूज़ आज तक समझ में नहीं आए. मैं हर इस टाइप के मार्केट्स में देखती हूँ ना, ऐसे पेंटिंग्स लोग बना के रखते हैं, बट ट्रस्ट में मुझे नहीं समझ में आता है कि इनका होता क्या है. प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. उसके बाद जब हम लोग वहाँ से मूव ऑन किए, तो यहाँ छोटी छोटी बच्चियों के यार इतने प्यारे प्यारे सैंडल्स थे. ये मुझे लग रहा था 1 साल की बच्ची के पाँव के सैंडल थे, इतना क्यूट लग रहा था. ये नीचे में तो हमारे पाँव के सैंडल्स थे, बट मुझे वो बच्ची के सैंडल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और मैं उन सब तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो भी जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं. एंड इधर मैं भी जूतियाँ देख रही थी. हाँ, अफोर्डेबल प्राइजेस पर आपको जूती मिल जाएंगे, सेम उसी प्राइस पर मिलेंगी जिस प्राइस पर आपको लोकल मार्केट में मिलता है. कुछ भी एक्स्ट्रा था नहीं, बट अच्छे लग रहे थे. 1 घंटा में कौन ही आएगा लेने, आज लास्ट है, आज लास्ट है? नहीं कल लास्ट है, चलो एक दिन है. कैमरा भी है, वही चीज बोले कैमरा भी है. आईफोन हम नहीं बोले, हम बोले मोबाइल.
हम मोबाइल भी है, कैमरा भी है, सब चीजें है अवेलेबल, सब कुछ है। आज जल जाएगा, जल गया, वाओ। क्या ना, घर वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं। अच्छा पटना ही से? और ये क्या हैंडमेड है? हाँ, सब सारा हाथ से बना। आप लोग बनाए? हम बनाए। आते हो? हाँ, पटना से वाले। देयर ज्वेलरीज वर सो अट्रैक्टिव एंड ये काफ़ी लाइट वेट थे, कुछ लकड़ियों के बने हुए थे, कुछ स्टोन्स के बने हुए थे एंड काफ़ी ज़्यादा सही थे, काफ़ी बजट में मुझे लगे। इस बार का ये जो मार्केट था मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगा एंड मैं सबको अच्छे से देख भी रही थी। मतलब ट्राई करूँ ऐसा जो इस पर जाए, ये देखें ऐसे लगने वाला ये। हाँ और गिर गया तो नहीं, पीछे में लॉक हो गया। अच्छा लग रहा है। क्या आंटी प्राइस? 100 रुपए। अच्छा लग रहा है। सबका प्राइस अलग है और इन सबका क्या प्राइस है? 80 रुपए। दिस इज लुकिंग गुड। 80 के हिसाब से तो सही है। और कम ठीक है। वो सांता, आप मेरे घर नहीं आए। बहुत प्रिटी प्रिटी सा वाला कैंडल्स है एंड इनको मिरर कलेक्शंस भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। दोस्त मुझे सुधारने नहीं देते फोटो। 30, 40, 50, 70। और रंग कब तक रहेगा? काला कभी नहीं होता, पीले रहेंगे, ऑरेंज है। ओ गाइस, यार वेदर इतनी ठंड हो रही है ना। डिज्नीलैंड आज फिर हम लोग नहीं गए यार। डिज्नीलैंड में बहुत भीड़ रह रहा है और पता है सारे झूले का फेयर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो वाले झूले से यार जो हमारी हालत खराब होती है एंड शी इज सेइंग कि चलिए ट्राई करते हैं। नहीं भाई, भले मैं चाचा के लोग के साथ बैठ के आग सेक सकती हूँ मगर ये झूला नहीं। आज हमने स्ट्रीट फूड्स बहुत ट्राई करे और यहाँ पे मैं आ गई हूँ मोमोज़ लेने के लिए, क्योंकि मोमोज़ का बहुत ज़्यादा ये ऐसे क्रेविंग सा हो रहा था अंदर से। बट यार सच बताओ, हमने नॉन वेज मोमो मांगे थे बट भैया ने वेज मोमो दे दिए। चीयर्स बेबी। सो दिस वाज आवर लास्ट शो ऑफ 2023। हाउ आर यू फीलिंग विद दिस हॉट मोमो? आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ आंसर। आज वो किसी का बाइक ढूंढते हैं। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गोल्ड के स्टोर में, क्योंकि ऑफ कोर्स मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट बाय करना है एंड फिर वहीं बगल में मॉम्मीज है, तो वहीं से ऑफ कोर्स केक लेने के बाद फिर वी विल बी बैक टू आवर होम। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है घर पे जाकर, पक्का डांट पड़ने वाला है। हमेशा ऐसे ही होता है बट कोई बात नहीं, हम लोग हमेशा खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। राइट राइट राइट। यार नाक का जो कबाड़ी निकला है, आई एम फीलिंग कि कल मैं बीमार पड़ जाऊँगी। बहुत गंदा वाला ठंड लगा है, बहुत ज़्यादा।